हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ एसएस चंद्रावत। स्वागत है आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। आशा करता हूँ सभी बच्चों ने ये आदर्श एजुकेशन ग्रुप का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। आपको प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप का ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको 12th क्लास से संबंधित, 11th क्लास से संबंधित, बीएससी से संबंधित सभी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर सभी बुक्स भी अवेलेबल होगी, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। साथ ही यहाँ पर आपको इन क्लासेस से संबंधित ऑनलाइन वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये अवसर है जिस पर हम आप लोगों के लिए इस ऐप को लेकर आए हैं। इस ऐप के ऊपर आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी, तो आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ 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 इसको पढ़ते रहें और अपने दोस्तों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपन सेशन को। देखो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री की क्लासेस। और केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर अपन बात करते हैं तो दोस्तों, 12th केमिस्ट्री में टोटल अपने पास 17 लेसन है। और इन 17 लेसन में अपन बात करें तो एक एक लेसन को बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने और साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पर मैटर अवेलेबल करवाया जाए उसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें और उसके बाद आप लोग जो है नोट्स बिल्कुल तैयार करें, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से लेसन 5th, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। अब पृष्ठीय रसायन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले बात करता हूं मैं, इसमें एक वर्ड आ रहा है और इस वर्ड के बारे में बात करूं मैं तो ये है पृष्ठ या सरफेस। ये क्या चीज होती है सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ या कोई भी जो वस्तु होती है, इस वस्तु की सबसे ऊपरी सतह जो होती है ना, उसको अपन पृष्ठ या सरफेस कहते हैं। यानी कि जो सीधे वायुमंडल के संपर्क में है उस सतह को पृष्ठ या सरफेस कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई सब्सटेंस है, मैटर है, और इस पदार्थ की ये जो सतह दिख रही है आप लोगों को, ये जो सबसे ऊपरी सतह जो वायुमंडल के सीधे संपर्क में है, इस सतह को आप लोग क्या बोलोगे बच्चों? इसको बोलेंगे अपन पृष्ठ या सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठ या सरफेस कहेंगे। सर परिभाषा क्या होगी? तो देखो भाई, परिभाषा भी मैं आपको साथ साथ यहां पर बता देता हूं। तो वो सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु या पदार्थ की सबसे ऊपरी सतह, कोई भी वस्तु या पदार्थ की सबसे ऊपरी सतह पृष्ठ कहलाती है। ऊपरी सतह पृष्ठ कहलाती है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो यह था अपने पृष्ठ के बारे में बात। अब बात आती है कि सर ये आपने क्यों बताया? तो देखो भाई, ये जो पृष्ठीय रसायन है ना, इस पृष्ठीय रसायन के अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, आपको केवल इसी पृष्ठ के बारे में, इसी सरफेस के बारे में पढ़ना है बहुत ही विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर पृष्ठ के बारे में क्या क्या पढ़ाने वाले हो हमें? तो देखो भाई, पृष्ठ या सरफेस के बारे में बात करते हैं तो इस रसायन की जो शाखा है आपकी, ये पृष्ठ रसायन, इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को इस पृष्ठ के जितने भी गुण होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज इसकी होती है, इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ये जो सरफेस आपकी यहां पर है,
इस सरफेस की ऊपर जितनी भी अन्योन्य क्रियाएं होती है इन सभी के बारे में अपन कहां पर पढ़ने वाले हैं, इस पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अर्थात यदि मैं पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री की परिभाषा की आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अपना टॉपिक है पृष्ठीय रसायन, इसकी क्या परिभाषा होती है, सरफेस केमिस्ट्री इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों। तो देखो परिभाषा इस प्रकार से है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, इस प्रकार से आपको परिभाषा याद रखनी है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ के गुणों तथा पृष्ठ पर होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है पृष्ठीय रसायन कहलाती है। तो क्या है बच्चों, यहां पर मैंने आपको बताया है पृष्ठीय रसायन कहेंगे किसे, तो देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ के गुणों यानी पृष्ठ के क्या क्या गुण होते हैं साथ ही पृष्ठ पर होने वाली जितनी भी अन्योन्य क्रियाएं हैं इन सभी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत आप लोग करेंगे उसे कहेंगे अपन पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री। यानी कि इस टॉपिक के अंदर आपको केवल और केवल पृष्ठ के बारे में पढ़ना है, सरफेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी अपनी दो परिभाषाएं, आशा करता हूं सभी बच्चों को यहां तक जो मेरे द्वारा बताया गया है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको साथ के साथ नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते रहे, यानी कि इसको लिखते रहे आप लोग, ठीक है। तो ये थी अपनी पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बात। अब आगे अपन बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो है पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत आप लोगों को मुख्यतः तीन परिघटनाओं के बारे में पढ़ना है। और ये तीन परिघटनाएं कौन कौन सी होती हैं तो देखो दोस्तों, सबसे पहला होगा अधिशोषण। क्या होगा? अधिशोषण होगा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इसको कहते हैं, एडजॉर्प्शन इसको कहा जाता है। सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरण कैटेलिसिस। थर्ड अपन पढ़ने वाले हैं कोलोइड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कोलोइड अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको यहां पर तीन परिघटनाएं पढ़नी है, कौन कौन सी? अधिशोषण एडजॉर्प्शन आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको उत्प्रेरण कैटालिसिस पढ़नी है और साथ ही कोलोइड के बारे में आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हो। इन तीन के बारे में मैं आपको यहां पर विस्तार पूर्वक सारी जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहला टॉपिक इस अध्याय का और वो है आपका अधिशोषण एडजॉर्प्शन। क्या है दोस्तों? वो है आपका अधिशोषण एडजॉर्प्शन। इसके बारे में मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी आज इस क्लास के अंदर देने वाला हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। एडजॉर्प्शन, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा बताता हूं कि सर ये होता क्या है। तो देखो भाई, अधिशोषण के बारे में बात करते हैं तो जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में
रखा जाता है तो द्रव या गैस के कण इस ठोस पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं यह परिघटना अधिशोषण कहलाती है अब सर आपने परिभाषा तो बता दी हमें, अब हमें क्या करो, हमें आप लोग जो है ना वो इसके बारे में बता दो कि वास्तव में ये है क्या चीज। तो देखो सुनो दोस्तों, यहां पर क्या है कि मान लेते हैं ये कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और इस ठोस पदार्थ को अपन ने क्या किया, इस प्रकार से गैस के या द्रव के संपर्क में इसको अपन ने इस प्रकार से रख दिया है, यानी कि जो बाहर की तरफ ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है द्रव या गैस पदार्थ। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे ही आप लोग इस ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखोगे तो क्या होता है दोस्तों, इस ठोस की सतह पर है ना ये द्रव या गैस के कण इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी पृष्ठ के ऊपर ये ठोस या द्रव के कण क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से इसकी सतह के ऊपर जम जाएंगे, इसकी पृष्ठ के ऊपर एकत्रित हो जाएंगे, और ये जो परिघटना है ना, ये जो एकत्रित होने की जो परिघटना है यही क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिशोषण। तो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी ठोस पदार्थ को जब द्रव या गैस के संपर्क में रखते हैं तो इस द्रव या गैस के जो कण होंगे ना वो इस ठोस पदार्थ की पृष्ठ पर चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं, और यही परिघटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। आगे आप लोगों को समझ में, चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो देखो दोस्तों, यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि अधिशोषण प्रक्रिया में दो ही पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक तो भाग ले रहा है ये ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर द्रव या गैस आकर एकत्रित हो रहा है, और एक ये द्रव या गैस पदार्थ जो इसकी सतह पर आकर एकत्रित हो रहा है। तो ये दो पदार्थ यहां पर भाग लेते हैं, ठीक है ना। अब इनके कुछ नाम होते हैं, ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। तो दोस्तों ये जो ठोस पदार्थ आपको यहां पर दिख रहा है ना, इस ठोस पदार्थ को एक नाम दिया जाता है और वो नाम है आपका अधिशोषक। क्या नाम दिया जाता है, अधिशोषक इसको नाम दिया जाता है, इसको एडजोर्बेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, एडजोर्बेंट, ठीक है। और ये जो द्रव या गैस पदार्थ है ना दोस्तों, इस द्रव या गैस पदार्थ को अपन बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं अधिशोष्य। क्या बोलते हैं इसको, अधिशोष्य कहते हैं, एडजोर्बेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस अधिशोषण प्रक्रिया में, इस एडजोर्प्शन प्रक्रिया के अंदर दो पदार्थ भाग लेते हैं, दो पदार्थ कौन से हैं, अधिशोषक एडजोर्बेंट है और अधिशोष्य एडजोर्बेंट है, ये दो पदार्थ यहां पर भाग लेते हैं। अब बात करें सर इनकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है, तो इसके बारे में अपन यहां पर समझते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको परिभाषा यहां पर बताने वाला हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे क्या होती है चीज। तो देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं किसके बारे में, आपके अधिशोषक के बारे में मैं बात करता हूं, अधिशोषक या एडजोर्बेंट के बारे में अपन बात यहां पर करते हैं। परिभाषा क्या होती है, तो देखो जिस ठोस पदार्थ की सतह पर जिस ठोस पदार्थ की सतह पर
द्रव या गैस के कण एकत्रित होते हैं उसे अधिशोषक कहा जाता है। अधिशोषक कहा जाता है जिस ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के कण एकत्रित होते हैं उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे अपन कहेंगे अधिशोषक। ठीक है, या फिर अथवा लगाकर आप लोग एक परिभाषा और लिख सकते हो। क्या लिखेंगे तो दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है कि जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण प्रक्रिया संपन्न होती है अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अधिशोषक कहलाता है। ठीक है, तो जिस ठोस पदार्थ की सतह पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? अधिशोषक कहेंगे, एडसोर्बेंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। तो सर, एडसोर्बेंट अर्थात अधिशोष्य क्या होता है इसके बारे में भी बता दो। तो देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अधिशोष्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अधिशोष्य के बारे में बात करते हैं, एडसोर्बेंट के बारे में बात करते हैं। और एडसोर्बेंट के बारे में बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है कि जो ठोस या द्रव पदार्थ जो द्रव या गैस पदार्थ अधिशोषक, अब आप लोग समझ गए होंगे अधिशोषक का मतलब क्या हुआ, ठोस पदार्थ। ठीक है, तो जो द्रव या गैस पदार्थ अधिशोषक ठोस की सतह पर एकत्रित होता है अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोष्य कहलाता है। ठीक है, या फिर अथवा लगाकर एक परिभाषा और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि अधिशोषण प्रक्रिया जो होती है, इस अधिशोषण प्रक्रिया में कहते किसे हैं? तो देखो, किसी भी ठोस पदार्थ को जब द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो इस द्रव या गैस के कण इस ठोस पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को अधिशोषण एडसोर्प्शन कहते हैं। दो पदार्थ यहाँ पर भाग ले रहे हैं, पहला है अधिशोषक एडसोर्बेंट, अधिशोषक या एडसोर्बेंट, इसको क्या कहा था अपन ने कि जिस ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण प्रक्रिया संपन्न होती है उसे अधिशोषक या एडसोर्बेंट कहते हैं। ठीक है, और जिस पदार्थ का यहां पर अधिशोषण होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, अधिशोष्य कहते हैं। तो यह था अपना आज का टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को एडसोर्प्शन के बारे में सामान्य सी जानकारी उपलब्ध करवाई है। आशा करता हूं सभी प्यारे बच्चों को यहां तक दी गई संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी, और यदि यहां तक की संपूर्ण जानकारी आप लोग समझ में आती है तो आप लोग अपने दोस्तों को
इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी जितने भी आपके प्यारे मित्र हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।